नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सतत शिक्षा विद्यालय, प्रमाण पत्र कार्यक्रम, खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र, CFN, CFN3 भोजन में अर्थशास्त्र, खंड भोजन का बजट, कृषि उत्पादन और वितरण, इकाई 2, हम अपने खाद्य पदार्थों की योजना किस प्रकार बनाए। भोजन मनुष्य की एक मूल आवश्यकता है। मनुष्य आदिकाल से ही खाद्य पदार्थों की तथा उसके उत्पादन के नए नए उपायों की खोज करता चला आ रहा है। इस इकाई में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग तथा उसे प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा की गई है। इसी सिलसिले में घरेलू बागवानी का भी जिक्र किया गया है। 2.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप खाद्य पदार्थों के उत्पादन के तरीकों को समझ सकेंगे। खाद्य पदार्थों के उत्पादन की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों को बता सकेंगे। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में घरेलू बागवानी के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे और अपने परिवार के लिए घरेलू बागवानी की योजना बना सकेंगे। 2.1 प्रस्तावना। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या हैं। वास्तव में खाद्य पदार्थों के उत्पादन का किसी क्षेत्र की जनसंख्या व उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन से गहरा संबंध है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही यह सिद्ध हो चुका है कि मानव खाद्य पदार्थों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा है। उसने ज्यादातर नदी के किनारे बसना ही पसंद किया ताकि आसानी से वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर सके। इस प्रकार खाद्य पदार्थों के उत्पादन की आवश्यकता का जनसंख्या के स्तर से सीधा संबंध है। 2.2 स्रोत के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। पाठ्यक्रम में हम खाद्य पदार्थों को उनकी उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांट चुके हैं। आप जानते हैं कि हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कई प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, दालें, तेल, चीनी, सब्जियां, फल, दूध, मांस, मछली इत्यादि। खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए भिन्न भिन्न स्रोतों की आवश्यकता होती है। आइए संक्षेप में हम इन स्रोतों को समझने का प्रयास करें। खाद्य पदार्थों को उत्पादन के स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो खेत में उपजाए जाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका माध्यम पशु होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका माध्यम जल होता है। इस तरह के वर्गीकरण से हमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन की नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। 2.3 खेत में उपजाए जाने वाले खाद्य पदार्थ अनाज। अनाज जैसे खाद्य पदार्थों की उपज के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। चावल, गेहूं, दालें, सब्जियां, फल इत्यादि खेत में ही उगाए जा सकते हैं। अनाज की उपज के लिए अधिक भूमि की जरूरत होती है, किंतु हमारे पास खेती करने योग्य भूमि बहुत सीमित है। इसका कारण है हमारी भौगोलिक सीमाओं का सीमित होना। हम अपने देश की सीमा से बाहर की भूमि जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की भूमि का उपयोग नहीं कर सकते। इसी भौगोलिक क्षेत्र में हम घर भी बनाते हैं, उद्योग भी स्थापित करते हैं, व्यापारिक केंद्र भी स्थापित करते हैं। इसलिए खेती योग्य भूमि बहुत कम बच जाती है। प्रत्येक फसल की खेती अलग अलग समय पर की जाती है। इस कारण भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साल में कई फसलों की खेती की जाती है। पर एक से अधिक फसल प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो। अतः उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के अनुसार ही फसल की पैदावार की योजना बनानी पड़ती है। इसके बाद फसलों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार ही उत्पादन की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए हमें जितने चावल, गेहूं, दाल, मूंगफली तथा अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, उतनी ही मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न खानपान करने वाले लोग रहते हैं, अतः उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उत्पादन की योजना बनानी पड़ती है।
प्रत्येक फसल की उत्पादकता अलग अलग होती है। साधारण शब्दों में इसे प्रति हेक्टेयर उपज कहते हैं। फसल की आवश्यक मात्रा व उसकी उत्पादकता के आधार पर ही जमीन पर खेती की जाती है। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ दिए गए आंकड़े काल्पनिक हैं। 1987 से 88 वर्ष में चावल की आवश्यकता भारत में 800 लाख टन, चावल की प्रति हेक्टेयर उपज प्रतिशत 2 टन, चावल की खेती के लिए क्षेत्र की आवश्यकता 400 लाख हेक्टेयर। खाद्य उत्पादन की योजना बनाते समय यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जितनी जमीन पर खेती की जाती है उसमें से कितना क्षेत्र सिंचाई पर निर्भर है और कितना क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। कई जीव विज्ञान संबंधी कारणों से यह देखा जाता है कि सिंचित भूमि की उत्पादकता वर्षा पर आधारित भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरी तरफ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि खेती के लिए उपलब्ध पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे यहाँ भूमिगत जल की कमी है। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काफी पैसों की भी जरूरत पड़ती है। अतः किस फसल की किस प्रकार की भूमि पर खेती की जाए और कितनी मात्रा में, इसकी योजना सावधानीपूर्वक बनानी चाहिए। केवल भूमि और जल के उपलब्ध रहने से ही फसल नहीं उगाई जा सकती, उनकी सेवा की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सेवा शुश्रूषा से एक बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो जाता है, उसी प्रकार फसल की अच्छी उत्पादकता के लिए उनकी सेवा शुश्रूषा जरूरी है। फसल उगाने में जो प्रयत्न और लागत लगती है उसे आगत इनपुट कहते हैं। ये आगत विभिन्न स्रोतों से आते हैं। फसल के उत्पादन का सबसे प्रमुख आगत बीज है। आपने यह कहावत सुनी होगी कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज चाहिए। बीजों के उत्पादन की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि किसानों की बीजों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। ऐसा न होने से किसान अच्छी फसल नहीं उगा पाएंगे। अधिकतर किसान अपनी पिछली पैदावार का बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन बीजों के गुणों की महत्ता समझते हुए कुछ किसान बीज उत्पादकों से भी बीज खरीदते हैं। अतः बीज का उत्पादन भी योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ऊपर दिए गए उदाहरण में चावल की कुल आवश्यकता की पूर्ति के लिए 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता थी। मान लो एक हेक्टेयर के लिए 100 किलो धान का बीज चाहिए। धान की पैदावार के लिए कुल बीज की आवश्यकता 400 लाख हेक्टेयर एक्स 100 किलोग्राम 40,000 लाख किलो या 40 लाख टन। परंतु सभी किसान अच्छी किस्म के बीज नहीं खरीदते हैं, इसलिए बीजों के उत्पादन की योजना बनाते समय इस बात का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है कि कितने प्रतिशत किसान अच्छी किस्म के बीज खरीदते हैं और कितने क्षेत्रफल में अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग होता है। फसल उत्पादन में उर्वरक खाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अधिकांश उर्वरक तीन प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश। आपने खाद की बोरियों पर विभिन्न नाम छपे देखे होंगे। उन पर खाद में मिश्रित नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा लिखी होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी खाद के थैले पर लिखा है 100 किलो सुफला 17, 17, 17, तो इसका अर्थ है कि उस 100 किलो खाद में 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 17 किलोग्राम फास्फोरस व 17 किलोग्राम पोटाश मिला हुआ है। भिन्न भिन्न खाद की बोरियों में इन पोषक तत्वों का मिश्रण भिन्न होता है। किसान अपनी जरूरत के मुताबिक इन खादों का चुनाव करता है। हमें कुछ अन्य स्रोतों जैसे गोबर, मलमूत्र, सड़े पौधों और पौधों की पत्तियों आदि से भी खाद प्राप्त होती है, उसे जैविक खाद कहते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किसान बड़ी मात्रा में इस प्रकार के खाद का प्रयोग करता है। खादों के प्रयोग से खेत की उर्वरता बढ़ती है और इससे उपज में वृद्धि होती है। वस्तुतः 1960 के बाद रासायनिक खाद के उपयोग से हमारे देश का कृषि उत्पादन काफी बढ़ा है।
विभिन्न प्रकार की फसलों को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह इस बात पर निर्भर है कि मिट्टी कैसी है, किस तरह की फसल है, जलवायु कैसी है, क्षेत्र सिंचाई पर या वर्षा पर निर्भर है आदि। कृषि वैज्ञानिक देश के विभिन्न इलाकों में अलग अलग फसलों के लिए प्रयोग की आवश्यकता की खोज करके इस बात का पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में किस मात्रा में खाद का प्रयोग होना चाहिए। अलग अलग फसलों के लिए खाद की आवश्यकता का पता लग जाने से यह भी मालूम हो जाता है कि पूरे देश में खाद की कितनी जरूरत है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कुछ अन्य पोषक तत्वों जैसे जिंक, लौह तत्व आदि की आवश्यकता होती है। हालांकि इनकी काफी कम मात्रा में जरूरत होती है, पर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है। कुल खाद की आवश्यकता का पता लगाने के लिए इन सभी तत्वों पर ध्यान देना जरूरी है और उत्पादन की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि कुल आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। यदि देश में उर्वरक का उत्पादन आवश्यकता से कम हो तो विदेश से इसका आयात भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में पोटाश खाद के उत्पादन के लिए आवश्यक आगत इनपुट उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका आयात किया जाता है। खाद और उर्वरक के अलावा कीड़े मकोड़ों से पौधों की रक्षा के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये दवाइयां विभिन्न रोगों और बीमारियों से पौधों की रक्षा करती हैं। चूंकि इनका प्रयोग जरूरत के मुताबिक करना आवश्यक है, अतः इनका उत्पादन भी योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अभी हमारे किसान अधिकांशतः कुछ नगद फसलों जैसे ईख, कपास, मूंगफली आदि तथा कुछ खाद्यान्नों जैसे गेहूं और धान के लिए ही दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। इस कारण दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में प्रति हेक्टेयर दवाइयों का प्रयोग कम होता है। कृषि के क्षेत्र में श्रम का बड़ा योगदान है। यह श्रम मनुष्य और पशुधन से प्राप्त होता है। गांव में अक्सर श्रम की पूर्ति किसान के परिवार के सदस्य ही करते हैं। केवल फसल की बुआई और कटाई के समय भाड़े के मजदूर रख लिए जाते हैं। आम लोगों की यह धारणा है कि कृषि क्षेत्र में मजदूर जरूरत से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं, पर इनमें से अधिकांश मजदूर आधे बेरोजगार होते हैं। कहने का मतलब यह कि उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता। इसी प्रकार पशुओं के श्रम का भी पूरे साल उनकी क्षमता के अनुसार उपयोग नहीं होता। लेकिन किसानों, खासकर छोटे किसानों का यह मानना है कि उन्हें खेती के समय मजदूर नहीं मिल पाते। कृषि उत्पादन के लिए विभिन्न मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पसपसेट, टिलर, ट्रैक्टर आदि। एक और महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कच्चे माल का काम करते हैं। इनका सीधा उपभोग नहीं किया जा सकता, जैसे ईख, चीनी और गुड़, मूंगफली तेल, सरसों तेल, कॉफी पाउडर, चाय पत्ती या बुरादा आदि। सबसे पहले आपको यह मालूम करना होगा कि देश में खाद्य पदार्थों जैसे चीनी की खपत कितनी है। इसी के आधार पर कच्चे माल ईख के उत्पादन की योजना बनानी होगी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिया जा रहा है। मान लीजिए पूरे वर्ष में भारत में चीनी की खपत की मात्रा 85 लाख टन है। पुनः मान लीजिए कि 100 की ग्रा ईख से 8.5 की ग्रा चीनी बनती है। 8.5% अतः 85 लाख टन चीनी प्राप्त करने के लिए 1000 लाख टन ईख उत्पादन की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थों की जरूरत की पूर्ति के लिए योजना बनानी पड़ती है। इसके लिए व्यक्तिगत जरूरत और उत्पादन क्षमता के विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है। बोध प्रश्न एक, जिन स्रोतों से खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है उन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। प्रत्येक स्रोत से प्राप्त होने वाले कम से कम 10 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। दो, दिए गए आंकड़े के आधार पर आप बताएं कि कुल आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितनी जमीन पर खेती की जानी चाहिए। गेहूं की जरूरत 500 लाख टन। गेहूं की उत्पादकता
2500 की ग्रा प्रति हेक्टर। 3. उत्पादन के लिए जरूरी संसाधनों का उल्लेख करें। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत और प्रत्येक खाद्य पदार्थ की कुल खपत को ध्यान में रखकर ही खाद्यान्न उत्पादन की योजना बनाई जाती है। प्रत्येक खाद्यान्न की कुल जरूरत के आधार पर ही यह निर्णय करना पड़ेगा कि कितने क्षेत्रफल में इन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाए। पुनः क्षेत्रफल के आधार पर बीज, खाद और फसल की रक्षा के लिए आवश्यक दवाइयों आदि का उत्पादन करना होगा। इस तरह की योजना बनाने के बाद ही अनाज की कुल खपत को पूरा करने लायक उत्पादन हो सकेगा। नीचे दी गई तालिका में यह दिखाया गया है कि हमारे देश में विभिन्न खाद्य पदार्थों का कितना उत्पादन हुआ। तालिका 2.1, भारत में 1983 से 84 में खाद्य पदार्थों का उत्पादन लाख टन में। 2.4, पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ पशुधन। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का स्रोत पशु है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए जिन पशुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें पशुधन कहते हैं। पशुधन का अर्थ है जीवित पशु जिनके माध्यम से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पशुधन खाद्य पदार्थों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनके द्वारा प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं दूध, अंडा, गोश्त आदि। इनसे काफी मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं। पश्चिमी देशों में इनका उत्पादन व उपभोग अधिक होता है। हमारे देश में इन खाद्य पदार्थों में से दूध व अंडे का प्रयोग अधिक होता है। गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़, बकरी, सुअर तथा अन्य छोटे पशुओं आदि से भी खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों का उत्पादन पशुओं की संख्या पर निर्भर करता है। भारत सरकार हर वर्ष पशुओं की संख्या की सूचना देती है। यह सूचना हर 5वें वर्ष में होने वाली पशुधन की गणना पर आधारित होती है। इन आंकड़ों से उत्पादन की योजना बनाते समय सहायता मिलती है। पशुधन दाने व चारे पर निर्भर है। अतः पशुधन से प्राप्त होने वाले किसी भी पदार्थ की योजना बनाते समय हमें दाने व चारे के उत्पादन की भी योजना बनानी चाहिए। इस वर्ष हमारे देश में जो सूखा पड़ा इससे हमें यह मालूम हो गया कि पर्याप्त मात्रा में चारा पैदा न होने के कारण पशुओं का जीना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार मुर्गी पालन के लिए पर्याप्त मात्रा में दाना भी आवश्यक है। अक्सर किसान पशुओं को चरने के लिए मैदानों में छोड़ देते हैं या फसलों का भूसा भी पशुओं को खिला देते हैं। अतः पशुओं के दाने व चारे पर कम खर्च होता है। जानवरों की नस्लों में सुधार आ जाने व किसानों के व्यावसायिक हो जाने से अच्छे चारे का महत्व बढ़ गया है। कुल उपलब्ध पशुधन की संख्या के आधार पर ही उनके लिए चारा उत्पादन की योजना बनानी होगी। दूध पशुधन से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूध बच्चों व बूढ़ों के लिए मुख्य आहार तथा वयस्कों के लिए पूरक आहार का काम करता है। अभी तक दूध के उत्पादन को पूरक उद्योग अर्थात कृषि उद्योग के पूरक के रूप में लिया जाता था व किसान इसके द्वारा केवल अतिरिक्त आय ही प्राप्त करते थे। किसानों ने पहले पशुओं की नस्लों को सुधारने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। परंतु जब से सरकार ने दूध उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं तब से किसान दूध के व्यापार में रुचि लेने लगे हैं। इकाई 6 में दूध के उत्पादन से संबंधित कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आपने देखा कि पहले दूध की कुल खपत का अंदाजा लगाना होता है। उसी आधार पर यह अनुमान लगाना पड़ता है कि पशुधन की जरूरत किस मात्रा में है, उनके लिए कितने चारे का उत्पादन करना होगा। इन सब पर विचार करने और उन्हें लागू करने के बाद ही सब लोगों को दूध पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। इसी प्रकार मुर्गी पालन कार्यक्रम की भी योजना बनानी पड़ती है। हमारे देश के सब निवासी अंडे व मुर्गी नहीं खाते हैं, इसलिए उनकी उत्पादन की आवश्यकता दूध व गेहूं, चावल आदि से कम होती है। इसका अध्ययन हम इकाई में करेंगे। गोश्त तथा उनसे बने खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत है बकरी, भेड़ तथा सुअर आदि।
इनके बारे में आंकड़े मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी याद रखना चाहिए कि मांसाहारी लोगों के लिए ये पोषण के मुख्य स्रोत हैं और भोजन का बजट बनाते समय इनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। 2.5 जल से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। जल से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में मछली का पहला स्थान है। अन्य छोटे छोटे खाद्यान्न भी पानी से मिल सकते हैं, परंतु उनका प्रयोग बहुत कम होता है, उदाहरण के लिए केकड़ा। अंग्रेजी में इसे पेसिकल्चर कहते हैं। मछली के दो मुख्य स्रोतों हैं, समुद्र से मिलने वाली मछली, तालाबों तथा नदी पोखरों आदि से मिलने वाली मछली। हमारे देश में लोगों की खाने की आदतें बहुत ही भिन्न हैं, विशेषकर मछली खाने के मामले में महाराष्ट्र में केवल 6 पर केरल में 96 लोग मछली खाते हैं। इस प्रकार देश के अलग अलग क्षेत्रों में मछली की मांग प्रतिशत अलग अलग है। आपने यह भी देखा कि लोगों की पसंद में बहुत अंतर है। परंपरागत रूप से मछली या तो समुद्र या नदी से पकड़ी जाती है, परंतु आजकल बनावटी तरीकों से मछली पालन होने लगा है। हम इकाई 5 में मछली की मांग व उसकी पूर्ति के तरीकों का अध्ययन करेंगे। 2.6 घरेलू बागवानी। आप अपने घर के इर्द गिर्द पड़ी खाली जगह में कुछ बागवानी करते हैं, उसे हम शाकवाटिका या घरेलू बागवानी भी कहते हैं। घरेलू बगीचे में सब्जियां, फल व फूल आदि उगाए जा सकते हैं। घरेलू बगीचे में उगाए जाने वाले पेड़ पौधों की किस्म व संख्या बगीचे के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। घरेलू बागवानी से लाभ। एक घरेलू बागवानी से घर का सौंदर्य भी बढ़ता है और खाली समय का ठीक उपयोग भी हो जाता। दो, इससे घर के चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तीन, घरेलू बगीचे में फल फूल साग सब्जियां उगाने से पैसों की भी बचत हो जाती है। चार, कुछ परिवारों के लिए घरेलू बागवानी अतिरिक्त आय का साधन भी है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने बगीचे में उगे सब्जी, फल, नारियल इत्यादि बेचा भी करते हैं। घरेलू बगीचे, किचन गार्डन में उगाए जाने वाले पौधे। घरेलू बगीचे में लोग अपनी पसंद के पौधे लगाते हैं। फलों के पेड़ लगाना लोग अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि एक बार लगा देने से ये लंबे समय तक फल देते हैं और फलों के पेड़ सदा हरे भरे भी रहते हैं, जैसे नारियल, अमरूद, पपीता, चीकू, नींबू आदि। इन पेड़ पौधों को लगाने व इनकी देखरेख करने में खर्च भी कम होता है। घरेलू बागवानी से नारियल, नींबू जैसी रोज उपयोग में आने वाली चीजों पर होने वाले खर्च में कटौती भी हो जाती है। इस तरह की छोटी छोटी कटौती से हम साल भर में बड़ी रकम बचा लेते हैं। घरेलू बागवानी से चीकू, अमरूद, पपीता जैसे पोषक व ताजे फल पूरे परिवार को खाने को मिल जाते हैं। बच्चों को घर में उगे फलों को खाने में बड़ा मजा आता है, जब वे चाहें फल तोड़ लेते हैं। घरेलू बगीचे में फल उगाने से ताजे फल मिल जाते हैं, बाजार से बासी फल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। घरेलू बगीचे में फलों के साथ साथ फूलों के पौधे भी लगाए जाते हैं, जैसे गुलाब, चमेली, गुलदाउदी और रजनीगंधा इत्यादि। आमतौर पर फूलों को घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, पर इनके अन्य उपयोग भी हो सकते हैं, जैसे देश के कई भागों में स्त्रियां इन्हें बालों में लगाती हैं। फूल पूजा के काम में भी आते हैं तथा अन्य कार्यक्रमों में सजावट के लिए भी काम में आते हैं। फूलों की बागवानी अब देश में उद्योग का रूप लेती जा रही है, लेकिन आप अपने घरेलू बगीचे में छोटे पैमाने पर अपनी पसंद के फूल लगा सकते हैं। घरेलू बागवानी का आज महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इसमें हम अपने खाने के लिए कई प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। सब्जियां कम समय में उग जाती हैं तथा भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न सब्जियां उगाई जा सकती हैं। सब्जियों को लगाने में तथा इसकी देखरेख में खर्च भी कम होता है। अपनी रुचि व मौसम के अनुसार हर प्रकार की सब्जियां घरेलू बगीचे में लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में सब्जियां उगाना ज्यादा आसान होता है। अन्य मौसमों में हल्की सिंचाई से भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं।
साधारणतया घरेलू बगीचे में सेम, बैंगन, भिंडी, टमाटर, गाजर, मूली, मिर्च, धनिया, करी पत्ते इत्यादि उगाए जाते हैं। घरेलू बगीचे में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर एक से अधिक सब्जियां लगाई जा सकती हैं। घरेलू बागवानी का सबसे बड़ा लाभ है कि हमें अपने खाने के लिए ताजी सब्जियां मिल जाती हैं। खासकर जब सब्जियां महंगी होती हैं, उस समय हम घरेलू बगीचे में सब्जियां उगाकर अपने खर्चे में बचत कर सकते हैं तथा अपनी पसंद की पौष्टिक सब्जियां भी खा सकते हैं। सब्जियां कई प्रकार की होती हैं, बेलों पर लगने वाली सब्जियां, जड़ों से प्राप्त सब्जियां तथा साग इत्यादि। ये सब्जियां घरेलू बगीचे का क्षेत्रफल तथा अपनी विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से सोच विचार कर लगाई जा सकती हैं। आजकल मकान बड़े ही व्यापारिक ढंग से तैयार किए जाते हैं। इस तरह के मकानों में घरेलू बागवानी के लिए कोई जगह नहीं होती। महान घरों में ऐसे मकान बहुत देखने को मिलते हैं जिसमें घरेलू बागवानी के लिए कोई जगह नहीं होती, जबकि छोटे शहरों, कस्बों व देहाती इलाकों में घर के इर्द गिर्द घरेलू बागवानी के लिए काफी जगह होती है। थोड़ी सूझबूझ से काम लेकर छोटी सी जगह में घरेलू बागवानी करके भी बड़ा लाभ उठाया जा सकता है। विभिन्न राज्य सरकारों के उद्यान विभाग अपने कई विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लोगों को घरेलू बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके लिए वे लोगों को मुफ्त में बीज, खाद तथा तकनीकी सहायता भी देती हैं। आप भी संबंधित विभाग से जानकारी पाकर लाभ उठा सकते हैं। घरेलू बगीचे की योजना। घरेलू बागवानी की योजना उसके लिए प्राप्त क्षेत्रफल को देखकर ही की जा सकती है। आप अपनी पसंद व प्राथमिकता के अनुसार मौसमी व सदाबहार फलों व फूलों के पौधे लगा सकते हैं। सदाबहार पेड़ों को लगाना ज्यादा लाभप्रद और कम कष्टसाध्य होता है क्योंकि इन पर बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। सदाबहार पौधे लगा लेने के बाद बाकी हिस्से में मौसमी पौधे भी लगा सकते हैं। पौधे लगाते समय पौधों की दूरी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए क्योंकि सही दूरी होने से पौधे अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। सदाबहार पौधों में 3 से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मौसमी सब्जियों के पौधे में 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। बेल के रूप में फैलने वाले पौधे जैसे खीरा, फलियां इत्यादि के फैलने के लिए काफी फासला रखना चाहिए। इस प्रकार योजना बनाकर छोटी जगह में घरेलू बागवानी से अधिक लाभ उठा सकते हैं। घरेलू बगीचे की योजना जो हम चित्र 2.1 में देने जा रहे हैं, उसे आदर्श बागवानी के लिए अपनाया जा सकता है। परंतु आप अपनी पसंद व घरेलू बगीचे के क्षेत्रफल के अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं। कुछ लोग तो घरेलू बगीचे में सिर्फ फूल और सजावट वाले पौधे लगाना चाहते हैं। घरेलू बगीचे की योजना हर व्यक्ति की अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। चित्र 2.1 आदर्श घरेलू बगीचा। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 4. पशुधन से आप क्या समझते हैं? उनसे हमें कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती है? 5. घरेलू बागवानी से आपका क्या तात्पर्य है? 6. घरेलू बगीचे में लगाए जा सकने वाले पौधों की सूची बनाएं। 7. घरेलू बगीचे में आप किन किन पौधों को प्राथमिकता देंगे और क्यों? 2.7 सारांश। इस इकाई में आपने खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उत्पादन संबंधी योजना के बारे में पढ़ा। ये खाद्य पदार्थ हैं अनाज, फल, सब्जियां, मछली, मांस इत्यादि। आपने खाद्य पदार्थों के स्रोतों के बारे में भी पढ़ा। आपने यह भी जानकारी हासिल की कि इन स्रोतों से खाद्य पदार्थ कैसे प्राप्त किए जाए। इस इकाई में शाकवाटिका या घरेलू बागवानी का महत्व भी बताया गया तथा घरेलू बगीचे की योजना भी बनानी सिखाई गई है। 2.8 शब्दावली। आगत, कृषि क्षेत्र में उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे औजार, खाद, श्रम आदि। आवागमन, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। किलोग्राम, वजन की इकाई, कि 0 ग्राम 0.1000 ग्राम।
उर्वरक, भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाले पदार्थ, इसे खाद भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और जैविक। उर्वरता, भूमि की फसल उपजाने की क्षमता। टन, वजन की इकाई, एक टन 1,000 की शून्य ग्रा शून्य। नगद फसल, ऐसी फसल जिसे व्यापारिक दृष्टि से लगाया जाता है और सीधे बाजार में बेच दिया जाता है। पशुधन, विभिन्न प्रकार के पशु जिनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। भूमिगत, भूमि के अंदर। वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की इकाई। भौगोलिक क्षेत्र, देश की सीमा के भीतर का क्षेत्र। सेवा शुश्रूषा, सेवा टहल, पालन पोषण। हेक्टेयर, क्षेत्रफल की इकाई, हेक्टेयर 10,000 वर्ग मील। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।